और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं यहां पर ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है और कई देशों में न्यूज चैनल ऑफ एयर हो गए हैं। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित भी होने की खबर यहां पर सामने आ रही है। तो लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर था उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई और उसी तकनीकी खराबी आने के बाद अब दुनिया भर में इसका असर देखने को साफ मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां जहां से हमारे पास सामने आ रही है। एयरपोर्ट के हाल ऐसे हो गए हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन लोगों को कुछ नहीं पता कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि उनकी जितनी भी फ्लाइट्स थी कई जगहों पर उनको रद्द कर दिया गया है। ये तकनीकी खराबी कब तक ठीक होगी अभी तक इसका अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन 3 घंटे लगभग हो चुके हैं और ये बड़ी परेशानी लोगों के सामने है, एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, ऐसे कई सारे देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर इन तमाम जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है और जहां जहां पर इसका असर पड़ा है वो मैप के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। एयरलाइंस हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज तक में इसकी सेवाएं ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सारे देशों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। इसी को ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है और हम सभी एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए, सर्वर के जरिए ही जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे में जब ये सेवाएं यहाँ पर ठप पड़ जाती है तो चुनौतियां तो बहुत सारी सामने आती है। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, एयरपोर्ट पर ही आप हैं शायद, क्या हालात वहां पर इस वक्त और लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है, कब तक सब कुछ ठीक हो सकता है, क्या अनुमान? देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर ग्लिच है उसमें ठीक होने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, क्योंकि देखिए अगर आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी को हायर की थी, इसका क्लाउड स्ट्राइक है जो वायरस और मालवेयर को रोकने के लिए रोकता है। क्लाउड स्ट्राइक को जब अपग्रेड किया जा रहा था तभी ये ग्लिच आया और ये जो क्लाउड स्ट्राइक है वो माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करता है। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी इस्तेमाल करती है वो सभी की सभी जगह से ठप हो गई। सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी का दिख रहा है तो वो एयरलाइंस कंपनी पर दिख रहा है। इस समय मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ और देखिए किस तरीके से जितनी भी चेक इन जो प्रोसेस है सब मैनुअली किए जा रहे हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, इसलिए बाकायदा सब कुछ मैनुअली किया जा रहा है। इसी वजह से देखिए जो कतारें, जो लाइनें हैं वो अमूमन मुंबई इंटरनेशनल T2 पे इतनी लंबी लाइनें नहीं लगती थी, क्योंकि सब कुछ जो स्कैन होते थे, आपकी टिकट है, आपको उस पर बारकोड है, आप बारकोड स्कैन कीजिए, गेट ऑटोमेटिक खुलते थे और सीधे वो टर्मिनल के अंदर चले जाते थे। लेकिन जो एक ग्लिच आया है, ग्लिच के आने की वजह से जो लोगों को बड़ी परेशानी करनी पड़ रही है, जो CISF के लोग हैं हमें आगे जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तौर पर देखिए सामने कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं उसका सीधा असर एयरलाइंस भी दिखा जा रहा है। ये सिर्फ जो तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट के साथ साथ मैं अगर गोवा एयरपोर्ट, बैंगलोर, पुणे, जी विवेक, तो तस्वीरें भी हम यहाँ पर दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं। वेब चेकिंग की सुविधा अक्सर एयरपोर्ट्स पर होती है, लेकिन क्योंकि सर्वर ठप हो गया है, विंडोज का जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है, उसका साफ असर एयरपोर्ट पर तो देखने को मिल ही रहा है। और कहां कहां पर इसका असर हुआ है पूरी दुनिया में, वो कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है? जसप्रीत इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। जसप्रीत, वो मैप दिखाइए और समझाइए कि आखिर कितना असर कहां कहां पर अब तक इसका हुआ है। बिल्कुल शिवानी, हम मैप के जरिए बताने की कोशिश करते हैं और आप ये मैप देखेंगे इसमें समझ में आएगा कि पूरी दुनिया थम सी गई है, रुक गई है, क्योंकि जो आप ये रेड डॉट्स देख रहे हैं यानी कि ये वो इलाके हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है। चाहे हम बात करें यूरोप की, हम बात करें अमेरिका की, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, हम बात करें हिंदुस्तान की, यहाँ पर सबसे ज्यादा जहाँ पर जो इलाके प्रभावित है वो बताते हैं। हम इंडिया का मैप सबसे पहले दिखाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि मुंबई एयरपोर्ट की स्थिति क्या है। अगर हम देखेंगे तो आप ये समझिए कि मुंबई एयरपोर्ट में जो फ्लाइट जिन पर असर पड़ा है वो 27 है, यानी कि 84% यहां पर असर पड़ा है और यह सबसे ज्यादा असर है। 51 मिनट तक एक फ्लाइट डिले हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। यह स्थिति जो है मुंबई एयरपोर्ट की है। अगर हम भारत में देखें तो यहां पर अगर मुंबई से ही सटा हुआ पुणे है, पुणे में भी सबसे ज्यादा हालात खराब है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे एयरपोर्ट की और यह है कोची एयरपोर्ट, यहां पर भी 67% उड़ानों पर असर पड़ा है, जो कि स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। अब हम हिंदुस्तान के अलावा बाकी देशों की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम समझें तो किस तरीके से यह जो सुकेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो कनाडा से सटे हुए देश हैं, अमेरिका से सटे हुए देश हैं, वहां पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि ये अगर हम दूसरे इलाके में देखते हैं तो आप ये देखिए कि
38% यहाँ पर असर पड़ा है और यहाँ पर स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है। लेकिन पूरे मैप को अगर हम देखें तो ये पूरा जो मैप आप देख रहे हैं रडार, यहाँ पर अगर हम देखें जो तो रेड पॉइंट्स है, यानी कि यहाँ पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। तकनीक के माध्यम से दुनिया पूरी तरीके से जुड़ी हुई है, लेकिन एक तकनीक के माध्यम से ही अब दूर भी हो गई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो इधर के हम इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति खराब है, क्योंकि ये कनाडा वैंकूवर एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 38% तक फ्लाइटों पर असर पड़ा है। क्योंकि शिवानी अगर हम देखें गूगल की बात करें, हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, हम बात करें अमेज़न की, इस पर जो डेटा है वो क्लाउड में चला गया और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये साइबर अटैक भी हो सकता है। और एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, आप आ जाइए, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, साइबर एक्सपर्ट है, इन्हीं से हम समझते हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों के मन में कौतूहल का विषय है। प्रेम जी आइए आप, क्योंकि जो हम पहले एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, दुनिया तो थम गई है, हम बता रहे हैं क्या ये साइबर अटैक है? नहीं, अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो साइबर अटैक नहीं है। जो हमारे क्लाउड एप्लीकेशन है, क्लाउड स्ट्राइक बेसिकली, जो हम यूज़ करते हैं सारी फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्कैन करने के लिए, सो उसके अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से विंडोज़ की जो फाइल्स है जिससे सिस्टम हमारा रन करता है वो करप्ट हो जा रही है। मतलब आसान भाषा में अगर हम समझें तो जो भी, जैसे लोग जो माइक गूगल में काम कर रहे थे, स्क्रीन पे लाइनें आ गई, कैसे जो आम दर्शक हमें इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं वो इसको तकनीकी खराबी को किस तरीके से सर्वर डाउन होने को समझें, कैसे समझें कि मतलब एक सेकंड में पूरी दुनिया थम गई? हाँ, इसको ऐसा हम समझ सकते हैं कि जैसे जितने जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हमारे मशीन्स चलते हैं, हाँ जो भी मशीन्स चलते हैं, सो उसमें क्या हुआ कि हमने स्कैनिंग के लिए अपने क्लाउड स्टैक एप्लीकेशंस लगाई हैं और उसके अपग्रेडेशन के बाद वो एप्लीकेशन में कुछ इश्यूज आई और उसने क्या किया, हमारी फाइल्स को करप्ट की। जैसे जब भी हम एप्लीकेशन के स्टार्ट करते हैं तो उसके एक बिट बूट मेनूज होती हैं और वो करप्ट कर गए, जिसकी वजह से सारा सिस्टम ही ठप पड़ गया और उसमें ब्लू डंप आना स्टार्ट हो गया। सो ये बेसिक प्रॉब्लम था जिसके वजह से सारे सिस्टम्स क्रैश होने लगी। क्रैश बेसिकली वहीं हुई जहां ये एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं क्लाउड स्ट्राइक, जहां हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वहां पे वैसा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन दुनिया के कौन कौन से देश जो इस वक्त हैं सबसे ज्यादा प्रभावित है? सबसे ज्यादा अगर प्रभावित में बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और उधर के एरियाज में सबसे ज्यादा प्रभावित है। इंडिया में भी, बिकॉज इंडिया में वाइडली, इंडिया में कौन कौन से शहर? सारे शहर्स, अगर ऐसे बात करेंगे तो सारे शहर्स, बिकॉज सारे शहर्स में ये जो एप्लीकेशन है ये सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ की जाती हैं और ये हमारे ये भी एप्लीकेशन है जो कि स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, बेसिकली एंटीवायरस के लिए। सो जहाँ भी यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ इम्पैक्ट देखा जा रहा है। एयरपोर्ट में अगर हम बात करें, चेक इन चेकआउट में दिक्कत हो रही है, बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से ठप हो गया है ना, फ्लाइट बुक लोग नहीं कर पा रहे हैं जो इस वक्त घर में मौजूद हैं, आम लोगों के लिए तो बहुत परेशानी बढ़ गई है। हाल के दिनों में इतना मेजर कोलैप्स याद नहीं आता है। हाँ, बिकॉज अभी भाई मैं आप फिर से रिपीट करूं कि अगर कोई सर्वर है जिसपे एप्लीकेशन होस्टेड है, अगर वो सर्वर ही किसी रीजन से डाउन हो जाए, सो जेन्युइन सी बात है कि एप्लीकेशन चलना ही बंद हो जाएगा। जब एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगा तो हम फ्लाइट्स बुकिंग कर रहे हैं या रेलवे टिकट बुकिंग कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें ठप हो जाएंगी। सो उसका मेन रीजन वही है। ठीक है, तो कब तक हम उम्मीद कर रहे हैं प्रेम जी कि ये जो तकनीकी दिक्कत है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी? अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इस पे कुछ अपडेट दिए हुए हैं जिसमें है कि अभी सर्विस अप होना शुरू हुई है और क्लाउड स्ट्राइक से वर्क करिए तो मोस्ट प्रोबेबली एक दो घंटे में उनके यहाँ से भी अपडेट आ जाएगा कि मेन इशू क्या था और इसको कैसे हम रिजॉल्व करें। तो जल्दी से, आप इसे साइबर अटैक नहीं मान रहे हैं? मैं नहीं मान रहा हूँ कि साइबर अटैक है। ठीक है शिवानी, तो हमारे साथ एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट जुड़े हुए थे और जो लोग परेशान है, जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हमें देख रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट प्रेम कुमार का कहना है कि 1 से 2 घंटे में उम्मीद कर रहे हैं कि दिक्कत दूर हो जाएगी। जी, तो उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि 1 से 2 घंटे में जो पूरी दिक्कत, यहाँ पर परेशानी लोगों को हो रही है वो थमने का नाम यहाँ पर ले सकती है। लेकिन फिलहाल जसप्रीत, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप वो पूरा मैप दिखाइए, क्योंकि दुनिया एक दूसरे से किस तरीके से सर्वर के जरिए जुड़ी हुई थी, लेकिन अब वही प्रभावित हो गया है जिसकी वजह से जो प्रभाव है पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया भर में एयरलाइंस इस वक्त ठप पड़ चुकी है, सर्वर में दिक्कत आई है और दिक्कत की वजह से कई सारे कंपनियों पर इसका प्रभाव पूरी तरीके से पड़ा है। ये पूरा मैप आप देखिए, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अमेरिका, ये तमाम ऐसे देश हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है विंडोज, सबसे ज्यादा प्रभाव उसी पर ही पड़ा है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, ये भी समझिए। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रही थी और अपग्रेडेशन के दौरान ही ये दिक्कतें यहां पर आती हैं और जिस दिक्कत के बाद सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, पूरी दुनिया ठप पड़ जाती है। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी काम होते हैं सब ऑनलाइन ही होते हैं, आप भी कई सारी चीजें ऑनलाइन करते होंगे, लेकिन ये दिक्कत सर्वर के ठप होने की वजह से ही पड़ी।